जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ भक्ति सकाळ को आपण मानको स्वागत। दर्शक बंधु, भगवान श्रीरामंकर जन्म लाभ सरी जाइछि। श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हो जाइछि। ठुमुक ठुमुक कहीकि चालुछन्ति अगणारे। कौशल्या जब बोलत जाइ ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराय। वाह कि सुंदर दृश्य, समस्ते मनमुग्धकर, समस्ते आनंदरे विभोर होउछन्ति। राजा दशरथ मध्य आनंदरे विभोर। माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, समस्त अयोध्या नगरी चलचंचल। किछि दिन अतिक्रम हो जाइछि, किंतु महाप्रभु शंकरंकर मन थय धरुनी। काहीकि थय धरुनी ना, महाप्रभु शंकर भगवान सदा बेले कोंती मम इष्ट बालक रामा। मोर इष्ट होचंती महाप्रभु श्रीराम। काहीकि ना मु तांको दर्शन तिले मात्र जदि मोर दुविधा हुए, ताले भोक शोष ए सबु मु भूली जाए। तेणु मु एकमात्र राम को ध्यान करिबा मोर काम। ध्यान सिना करी, किंतु भगवान राम तो श्रीराम जन्म नहीं, तेणु समस्ते तो देखी आसिले। भगवान शंकर भाविले मुझी टे दर्शन करके आसवि। ये गोटे सुंदर कथा आमे माने समस्ते जानी थाई। रामायण दर्शन रे भगवान श्रीराम और हनुमान मिलन ऋष्यमुख पर्वत रे सबरी माँ पाखरु विदाय नेला परे आमको जणा जाए। किंतु वास्तव में रामायण मत मध्य अनेक आसे भगवान श्रीराम सहित मिलन हनुमान आसी बाल्य काल। घटनाटी अति रोचक घटना, रोचक घटना आमको एमती मिलती, जो घटन शंकर भगवान प्रस्तुत होती आसी दर्शन करेंगे भगवान श्रीराम को मन डहल विकल। श्रीकृष्ण भगवान को भी सेमती आसी, किंतु परवर्ती कथा ये भगवान श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दर्शन करने भगवान शंकर आसुचंती गोटे मदारी वेशरे। मदारी अर्थ मांकड़िया केला। मांकड़ को जेमिति केला नचाए से भोली गोटे बेश धरी, हाथ में गोटे डम्बुरु छोटिया डम्बुरुटे धरी भगवान शंकर आसुचंती भगवान श्रीराम को दर्शन करने गोटे मांकड़िया केला रूप से। कारण भगवान श्रीराम को व्यतीत भगवान शंकर को निदई हुए नी, खाद्य हजम हुए नी। तेणुक दर्शन केमिति करिवे अति व्यग्रतार सहित मांकड़िया केला रूपटे धरले। मांकड़िया केला रूपटे धरिया, मदारी रूप धरवा, हाथ में गोटे डम्बुरु एवं किसी जहाँ कौपने लगेदे वेशभूषा जहाँ धरले। किंतु आसी मांकड़े दरकार, मांकड़िया केला सिना हो गले, मांकड़ किए तांकरी अंशर अवतार जे कि एकादश रुद्र हनुमान तांकुई गोटे क्षुद्र मांकड़ करी धरी पड़े आसिले अयोध्या को। अयोध्या गाँ दांड रे चली चंती, समस्ते देखुचंती मांकड़िया केला सिना रूप धरी चंती, मुहर ज्योति बाहर। अन्य पक्ष रे मांकड़ोटी मध्ये ठुमुक ठुमुक कहीकि जाउची, जिबे कोठी समस्ते पचरा पचरी होउचंती ना एठी नो आमर दशरथ राजा नवर रे नृत्य हबो। सब पिला माने ता पछरे पछरे जाउचंती, चालछंती आगरे आगरे माकड़ आड़ी की चाहूँ साड़ी की चाहूँ। जमी आप गाँ गहली देखी माकड़ा जाऊ नाली नेली ता पिठी रे वस्त्र पिंधे दि जा माकड़ गोटे अद्भुत बानर। मैंने हनुमान एमती रूप धरी माकड़ रूप बा सी गोटे अद्भुत देखा जाउचंती, सुंदर देखा जीवा एवं हेम शैलाव देहम ताको देहटा सुनावली रंग देखा जीवा। यह मध्य एक रोचकपूर्ण प्रसंग, तेणु देखा भी सेमती जाऊँ हेम शैलाव देह, किंतु एटी शैलाव देह ना से कौन शैल भली देह थी पर्वत भली, कि हेमवर्ण हेमवर्ण बा सुवर्णवर्ण देखा जाउचंती अद्भुत प्रकार। जाई पहुँची गलापर जिते बसी दशरथ शुणीदे जे जड़े माकड़िया केला आसी नृत्य देखेबा को समस्त पिला मानक सब बसईदे। हाँ हाँ आरंभ कर, आरंभ हो गला। अरे बड़े काम का बंदर, माने बानर तो नाचुची, नाचेगे तो गंगाधर, अर्थात कहवाटा ठीक। श्रेष्ठ तुम्बुरु नृत्य आम नृत्य शास्त्र को जदि देखा, श्रेष्ठ नृत्य शास्त्र तांडव नृत्यर महानायक होती शंकर, तेणु तक कहवा भूल ना। मारेगा तो रामचंदर, माने राम को बाण व्यतीत आउ बाण एभली कहार ना, से कहा जाए राम बाण। औषध को काटू करवा प्रथम औषध को रामबाण बोली कहा जाए,
तेणु श्रेष्ठ धनुर्धर एवं श्रेष्ठ धनुर्धर वीर बाणरे जी प्रचंड प्रगल्भ सी हूँ भगवान श्रीराम ताक कहवा ठीक ना कि भगवान आड़े श्रीराम देखिक हसिले मुरुकी मुरुकी ये बानर टी जी हनुमान जे माकड़ रूप धरी ये सेमती ठूँ गोटे विभिन्न प्रकार अंग भंगी कला कौशल कहना श्रेष्ठ संगीत आचार्य जेकि हनुमान एवं नृत्यशिल्पी श्रेष्ठ हनुमान सूर्यों ठार् से समस्त विद्यार पारंगम हो जाते बेलू नाचबार लगी देखिक ताली बजाऊँ रामचंद्र बस ताली बजाऊँ राम आखिकी हनुमान आखि पड़ जा तेणु ये आहरी नाचबार लगी निजक धन्य मन कर दर्शन महाप्रभु ये आसे जदि नाचुच तो भगवान नाच किसी कहच तो भगवान कह कि करुच तो भगवान उद्देश्य कर ता ना जहा कर सब व्यर्थ तेणु हनुमान आज माकड़ रूप धरले छोट माकड़ रूप टे धरी नाचिले निजक धन्य मन कर कहीं प्रभु आगे नाचुची शंकर भगवान निजक निजे गर्वित अनुभव करे मुझे प्रभु को यही मध्यम दर्शन कर चली गोटे रूप धरी दुई नृत्य चली ताली मारुंट खुशी हो जा ठीक खुशी होगा बेले श्रीराम भगवान कहते मत ये माकड़ोटी दरकार मत ये माकड़ोटी दियो मत ये माकड़ोटी दियो आ दशरथ महाराज पुत्र भगवान श्रीराम श्रीराम कहते मत ये माकड़ोटी दियो मनावा किए करिवो सांगे सांगे कले मदारी बाबा टिके रही जा रही जा रही जा तुम्हें केते कौन नब मत कह आए बानरटी को धरई दि आम को मो पु मगुची ता खेल सहित ताके रम पाखे छाड़ दि भगवान शंकर मने मने हसिले कले उद्देश्य तो मोर या केवल मदारी रूप धरवा माकड़िया केला रूप धरवा मोर थिला बाहाना ठीक अच्छे मोर किछि आवश्यक नहीं आपण या रखत कहीं श्रेष्ठ गुरु शंकर भगवान जे कि हनुमान महाप्रभु को ठीक तांकर माने जीव को ब्रह्म सहित साक्षात करैबार गोटे मार्ग पिटे देले बानर धरी आसी पहुँची जाइछंती राम पाखरे राम ताको आउंसी देले हनुमान को आउंसी देले एवं हनुमान को जिते बड़े आउंसी देले सी आउरी टिके खुशी होगला तेणु उभय उभयंकर श्रीरामकर एवं हनुमानकर सेइटी गोटे सुंदर मिलन होइछि जदिओ श्रीराम हनु मिलन आमे पाई किस्किंदिया कांडरे किंतु श्रेष्ठ मिलन आम को मिलती बाल्य कालरे एकाठी मिलिले एवं एतिक समय भितर अंतर्धान हो जाइंट भगवान शंकर मदारी बाबा कुआडे गले नेबे कौन एमाने आणिकी आसीचंती केते कौन जिनिष देखला जीए श्रेष्ठ योगी जी अष्टांग योगर साधक जी योग त्याग ये सब जार दर्शन ताकु भोगर आवश्यक कौन तेणु तांकर किछ आवश्यक नहीं सीए सेठ आउ मैंने विदाय नहीं जाते अंतर्धान नहीं जाती भगवान श्रीराम एक जाणी मुरुक हसी बानर टी अर्थात हनुमान को से दिन ठार् सी पाखे रखी पाखे रखला बेलू जितेबले खेल हनुमान तक सहित जी जितेबले प्रभु भोजन करे हनुमान जगी थे जितेबले कौन सी बगीचा को जी फल आणवाई से हनुमान डेक जा फल नहीं आसी ये सबूर काम भितर हनुमान तांको पाखे पाखे बहुत दिन पर्यंत रही महाप्रभु श्रीराम पाखरे हनुमान पहुँची जाइछंती बाल्य कालरु सहित खेलुछंती नाचुछंती जुआडे जहाँ हनुमान माने श्रीराम कहउछंती हनुमान सांगे सांगे फल तोली आणुछंती अर्थात संपूर्ण भाव में दासानुदास एभली भाव से सेवा करुछंती श्रेष्ठ सेवक सेवक धर्म सबसे कठोरा किंतु ये श्रेष्ठ सेवकत्व से प्रतिपादन करुछंती कितु आमर कथा थिला केते दिन रहिले बहुत दिन रहिले बहुत दिन टा केते दिन जेतेबेले तारकार उत्पात प्रखररु प्रखरतर हला विश्वामित्र ऋषि आसी पहुँचिले अयोध्या भगवान श्रीराम लक्ष्मण को जीवाकू पड़ा हनुमान का आखि छल छल हो गला कारण इष्टों पाखरु जेतेबेले जदि निजे भगवान जदि निज अंतर भितर अलग करने को चाहती आठ बड़ी दुख विषय आ कि न था हनुमान आखिर ठक ठक गुड़ कर प्रभु नाचुली खेलुली कूदुली अगणारे बुलू थी सांगे जाऊ मत सांगे नौना टे मु तो जानती ना ना हनुमान
ଏଠି ତୁମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ, ସେ ହିଁ କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହୁଏ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଛାତିରେ ପଥର ଲଦି ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରି ହନୁମାନ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଥାଶକ୍ତି ସମାପନ ହେଲା। ୟାପରେ ବିବାହ, ବିବାହ ପରେ ବନବାସ, ବନବାସ ପରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ସମସ୍ତେ କିଛି ସରିବା ପରେ ଠିକ୍ ଯଥା ସମୟରେ ଋଷ୍ୟ ମୁକରେ ମା' ଶବରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ମିଳନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ହନୁମାନ, ସେତେବେଳକୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମିଳିବା ଏଇ ଯେତିକି ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା, ହନୁମାନ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ, ସମସ୍ତ ବିଷାଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ନିଜକୁ ବହୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁନାମ ଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଭଜନ।